नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। देश में दो महीने बाद घरेलू उड़ानें सोमवार से हुई शुरू। बदल गए यात्रा के नियम, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही दिया गया प्रवेश। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नहीं शुरू हुआ विमानों का परिचालन। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील को बताया कोरोना का नया हॉटस्पॉट। ब्राजील से यात्रा पर लगाई रोक। ब्राजील में कोरोना के 3,60,000 से ज्यादा मामले। केरल में सामने आया दिल दहलाने वाला मामला। पत्नी को कोबरा और असील सांप से कटवाकर कर दी हत्या। धन के लालच में पति ने दिया अपराध को अंजाम। भारत ने तैयार किए 14 टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी जानकारी। 4 टीकों का जल्द शुरू होगा क्लिनिकल परीक्षण। महान हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर का 95 साल की उम्र में निधन। कई बीमारियों से जूझ रहे थे बलबीर सिंह। 3 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं बलबीर सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को सोमवार को ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा कि यह विशेष पर्व करुणा और सौहार्द की भावना को आगे बढ़ाएगा। संक्रमित मामलों में दुनिया में 10वें स्थान पर पहुंचा भारत। एक दिन में सबसे ज्यादा 6,977 मामले आए सामने। न्यूजीलैंड के पीएम जेसिंडा ऑर्डन दे रही थी लाइव इंटरव्यू, अचानक आए भूकंप के झटके। पीएम ने जारी रखा इंटरव्यू। अमेरिका कोरोना वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को देगा $60,00,000। अमेरिकी राजदूत पॉल जॉनसन ने दी यह जानकारी। स्वास्थ्य कर्मियों और इलाज में होगी खर्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, COVID-19 से मरने वालों को दी जाएगी अनुग्रह राशि। परिजनों को दिए जाएंगे 4,00,000 रुपए। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।